आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सबसे पहले 22 तारीख के दिन सुबह 11 बजे आदरणीय नितिन जी पक्का सारणा में पधारेंगे और पक्का सारणा से लेके कैंचियां तक की सड़क जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रही है 321 करोड़ रुपए की वो सड़क बनेगी, उसका शिलान्यास करने के लिए 22 तारीख के दिन नितिन जी पधार रहे हैं। इसके अलावा 68 करोड़ रुपए का एक आरओबी सूरतड़ के पास में, उसका भी शिलान्यास आदरणीय नितिन जी करेंगे। वर्तमान में 4 साल के अंदर यानी 4.25 साल के अंदर राजस्थान में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला है, राजस्थान की सरकार के विधायक और मंत्री जिस तरीके से भ्रष्ट हुए हैं वो आज से पहले कभी नहीं हुए थे। और मैं समझता हूं कि एक विनाश का राज, एक अंत का राज, ऐसा हमें पहली बार देखने को मिला है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के राज ने जो भ्रष्टाचार फैलाया है, उस भ्रष्टाचार के माध्यम से राजस्थान प्रदेश आज विनाश के पथ पे पहुंच गया। और मैं समझता हूं कि जो हम लोग कभी इसकी पूर्ति कर पाने में भी सक्षम नहीं होंगे। अभी 2018 में जब हमने राज छोड़ा था तब बिजली की प्रति यूनिट दर 6 रुपए थी और सिर्फ 4 साल बाद 12 रुपए प्रति यूनिट दर बिजली की है। वो जो कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के राज ने बढ़ाई है, इनके घोषणा पत्र में लिखा था कि हम लोग बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन पहली बार 18 पैसे जो फ्यूल था, फ्यूल चार्ज था राजस्थान में, उसको बढ़ा के वर्तमान की सरकार ने 60 पैसे किए है। और मैं समझता हूं कि आज राजस्थान प्रदेश में देश का एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो सबसे महंगी बिजली हमको मिल रही है। किसान को समय पे ट्यूबवेल पे बिजली नहीं मिल रही, किसान के खेत में घर में बिजली नहीं आ रही, गांव में और शहर में बिजली गुल रहती है। और मैं समझता हूं कि राजस्थान प्रदेश आज बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर होने को जा रहा है, लेकिन फिर भी राजस्थान में बिजली नहीं मिल रही है। हम लोग राजस्थान के सोलर प्लांट से 2.85 रुपए के हिसाब से हम लोग बिजली ले रहे हैं, लेकिन उस बिजली को नहीं लेके हम लोग 16 रुपए प्रति दर के हिसाब से बाहर से हम लोग बिजली ले रहे हैं। मेरा आप सबके माध्यम से राजस्थान सरकार को मैं अवगाह करना चाह रहा हूं कि राजस्थान में जो बिजली उत्पादन हो रही है तो उस बिजली को पहले पूरा करें, बाद में दूसरी स्टेट से बिजली लें, ताकि राजस्थान प्रदेश में कर्ज नहीं चढ़ सके।